गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटी विद मनीषा। और मैं हूँ मनीषा। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये शैम्पेन कट क्रीज मेकअप लुक। सो अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। एंड यहाँ पे मैंने दो शेड्स आपको लिप ऑप्शन दिए हैं, एक पिंक टोन में एंड एक न्यूड टोन में। तो आप जो पसंद हो वो आप लिपस्टिक का शेड आप अप्लाई कर सकते हैं। तब लुक पसंद आता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमें आईलिड को कंसील करना है। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी और कॉम्पैक्ट की मदद से मैं सेट कर दूँगी। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एन वाइल्ड का आई शैडो पैलेट रोज़ इन द एयर, जिसमें से मैंने ट्रांजेक्शन शेड अपने आईलिड्स पे अप्लाई किया है। सेम पैलेट्स में से मैं डार्क ब्राउन शेड अपने क्रीज को प्लेस कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर दूँगी। आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा करके आई शैडो पिक करना है, देन प्लेस करना है और अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करना है। क्रीज लाइन को डिफ्यूज़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड, ताकि जो डार्क ब्राउन शेड है वो अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ हो जाए। कट क्रीज के लिए आपको हमेशा फ्लैट ब्रश से ही कट क्रीज करनी है और आपको थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगी शैम्पेन शेड और आउटर वी पे मैं सेम डार्क ब्राउन शेड प्लेस कर दूँगी और अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर दूँगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मेबेलिन का कोलोसिव आईलाइनर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा विंग अप्लाई करूँगी। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिल्वर आईलाइनर। मैंने जो ब्लैक आईलाइनर ड्रॉ किया था ठीक उसी के ही ऊपर मैं सिल्वर आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आ जाता है इसकी वजह से। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का काजल। ये अच्छा काजल है, वाटरप्रूफ काजल है। ब्राउज फिलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मिस क्लेयर की ब्राउ पेंसिल इन द शेड डार्क ब्राउन। ये अच्छी पेंसिल है, आपको इसके साथ एक ब्रश भी रिसीव होगा, वो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। अच्छे तरीके से मैं उसको मसाज करूँगी और फ्यू सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ स्टेक वर्की का प्राइमर। ये भी आपको फ्यू सेकंड्स के लिए अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। आप देख सकते हो मुझे बहुत सारे पिंपल के मार्क्स हैं, एक्टिव पिंपल्स भी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक। यहाँ पे मैंने कोई भी ऑरेंज कंसीलर अप्लाई नहीं किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कवरेज इस फाउंडेशन स्टिक ने आपको दिया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली फाउंडेशन स्टिक पे जा सकते हैं। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड क्लियर मोयन। मैं अच्छे तरीके से अपने अंडर आई सर्कल पर और थोड़ा सा पिंपल मार्क पर एंड नोज ऑफ द ब्रीच क्यूपिड्स बो एंड चिन पे अप्लाई करूँगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट की मदद से कितना मैट इफेक्ट आ जाता है। कॉन्टर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड अपने कॉन्टर के लिए यूज़ कर सकते हो। आप वो शेड अपनी ब्राउज फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कॉन्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फोरहेड कॉन्टर किया है, देन यहाँ पे मैं नोज़ कॉन्टर करूँगी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ब्लश। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मोल्डन गोल हाइलाइटर। इसको मैं ब्राउ बोन पे नोज़ ऑफ द टिप क्यूपिड्स बो एंड चिन बोन को मैं हाईलाइट कर दूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉक्युलर के लिपस्टिक। शेड्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेक करना। लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए सेम मैं डार्क ब्राउन शेड अपने लोअर लैश लाइन में प्लेस कर दूंगी। मेकअप फिक्सर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर एंड यहाँ पे मैंने पिंक लिपस्टिक अप्लाई की है पिंक शेड में। आप यहाँ पे ब्राउन टोन में भी अप्लाई कर सकते हो। ब्राउन टोन में मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है ब्लू हेवन की चॉकलेट मूड लिपस्टिक। लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेक करना। एंड या गाइस, दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको ये मेकअप वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल रही होगी। तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर लेना, ताकि जो भी मैं मेकअप वीडियोज अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। टिल देन बाय।